हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग एक्सेल्स में एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि अगर हम इस एरिया को सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर हम इस एरिया में एक सिचुएशन लगाना चाहते हैं कि अगर हम इसमें नहीं लिखते हैं तो इसका कलर कुछ और रहे, और जैसे ही हम इसमें वर्ड टाइप कर दें तो वो कलर आपका जो है कि ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो दोस्तों, उसके लिए हमें जितना पार्टिकुलर एरिया पे मुझे ये ऑफर सेट करना है उसके लिए डिज़ाइन को हमें सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल्स पे क्लिक करना है। न्यू रूल्स पे जाने के बाद दोस्तों, आपको जाना है फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेंट पे। उसके बाद यहाँ से क्लिक करना है दोस्तों पहले आपको ब्लैंक, कि अगर दोस्तों ये एरिया ब्लैंक रहेगा तो हम फॉर्मेट में जाते हैं और उसमें डिज़ाइन क्या लगाते हैं। यहाँ से फॉर्मेट में कोई डिज़ाइन नहीं लगाएंगे, फिल में जाएंगे और फिल में भी हम यहाँ पे डिज़ाइन सिर्फ इतना लगा देते हैं कि जो एरिया यहाँ से अगर आपका नहीं लिखा हुआ रहेगा उसमें जो है कि कलर ये वाला फिल हो जाता है। और बॉर्डर में जा कर के हम उसको चारों तरफ से बॉर्डर दे देते हैं और इसको कर लेते हैं हम ओके। अब दोस्तों, फिर यहाँ पर करना है आपको ओके। उसके बाद दोस्तों, अगला फार्मूला ये लगाना है आपको कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल्स पे जाना है, फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेंट पे जाना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है नो ब्लैंक। अगर वो ब्लैंक नहीं रहे, उसमें कुछ लिखा रहे, तो फॉर्मेट में जाना है और फॉन्ट में सबसे पहला फॉन्ट कि वो बोल्ड हो जाए, उसके बाद बॉर्डर में कि चारों तरफ से उसमें बॉर्डर लग जाए ऑटोमेटिक, उसके बाद में फिल में जाएंगे और उसका कलर जो है कुछ इस तरह यानी ऐसा कलर में कन्वर्ट हो जाए। नॉर्मली अगर उसमें और भी डिज़ाइन देना चाहते हैं तो फिल इफेक्ट में जाते हैं और ग्रेडियंट वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से टू कलर पे गया और दो कलर को हम दोस्तों मिक्स कर ले रहे हैं कुछ इस तरह का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का एक डिज़ाइन दे देते हैं ऐसा ही मिक्स हो जाए। ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया दोस्तों, इसको थोड़ा सा कलर हम यहाँ से नॉर्मल कर लेते हैं, ये हल्का में रहे और इस तरह का, तो डिज़ाइन जो है आपका इस तरह का हो जाए। और यहाँ से कर लेते हैं हम लोग ओके और फिर करते हैं ओके। अब दोस्तों क्या है, नॉर्मली जब इसमें मैटर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो कुछ इस तरह का ही दिखेगा इसमें। जैसे ही आप कोई नाम टाइप कीजिएगा या कोई भी वर्ड टाइप कीजिएगा तो दोस्तों वो जो है डिज़ाइन आपका चेंज हो जाएगा। जैसे आप नाम टाइप कीजिएगा ये डिज़ाइन आपका चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक ऐसा लगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं। अगर मान लिया जाए ये कलर आपको पसंद नहीं है, एडिटिंग करना है, तो एरिया को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर जाते हैं यहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और मैनेज रूल्स पे जाते हैं। और मान लिया जाए या तो ब्लैक वाला नहीं पसंद है यानी जो ब्लैंक वाला था वो, तो इसको चेंज करेंगे। अगर कलर वाला नहीं पसंद है तो इसको चेंज करेंगे। एडिट, यहाँ से रूल्स पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। अगर मान लिया जाए मुझे कलर ही चेंज करना है सेकंड कलर, तो हम यहाँ से कलर को चेंज कर लेते हैं और डिज़ाइन को हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, फिर ओके कर लेते हैं। तो कुछ इस डिज़ाइन में हो गया, फिर ओके कर लेते हैं, फिर ओके कर लेते हैं, फिर यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपका डिज़ाइन भी चेंज हो गया। आप जैसे भी कोई नाम लिखिएगा, जैसे हम एक नाम टाइप करें अमित और दोस्तों इंटर प्रेस करेंगे तो वो कलर आपका यहाँ पर चेंज होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक डिज़ाइन एक्सेल्स में लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड इस प्रकार का टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हमेशा मिलता रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।